नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डी आई मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 13 का फिफ्थ लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपके एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse -1/7 बराबर π/4, ठीक है। आपको कैसे करना है कि 2 tan inverse 1/2 प्लस tan inverse -1/7 किसके बराबर है, के बराबर, ठीक है। देखिए कैसे को इसको हल करेंगे। तो आपने tan inverse के 5 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला पढ़ा था आपने tan inverse x plus tan inverse y, सेकंड पढ़ा आपने tan inverse x minus tan inverse y, थर्ड पढ़ा आपने 2 tan inverse x, फोर्थ पढ़ा आपने 3 tan inverse x, और फिफ्थ पढ़ा था आपने tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2 tan inverse 1/2 tan inverse 1/2 किससे मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2 tan inverse x, ठीक है। तो देखिए 2 tan inverse x क्या होता है वो भी देखिए, ठीक है। तो tan inverse x बराबर 2 tan inverse x बराबर tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। 2 tan inverse x का फॉर्मूला क्या होता है, tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद एक बात हो, सेकंड जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उसमें क्या है, tan inverse -1/7, क्या है मतलब है tan inverse ऑफ माइनस x, ठीक है। तो देखिए tan inverse ऑफ माइनस x क्या होता है, tan inverse ऑफ माइनस x होता है आपका माइनस tan inverse x, ठीक है। इसके बराबर होता है माइनस tan inverse x के बराबर होता है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला है tan inverse ऑफ माइनस x बराबर माइनस tan inverse x, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके किस क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। तो देखो दोनों का अप्लाई करो, क्या आ रहा है 2 tan inverse 1/2 x, 1/2 क्या होगा, ये हो जाएगा tan inverse 2 into 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, दैट मीन 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan inverse 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 1 माइनस 1/4 होता है 3/4। तो ये हो जाएगा tan inverse 4/3 माइनस tan inverse 1/7, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप, tan inverse x माइनस tan inverse y, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम, tan inverse x माइनस tan inverse y, tan inverse x माइनस tan inverse y क्या होता है, ये होता है tan inverse x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। tan inverse x माइनस tan inverse y किसके बराबर होता है, ये होता है tan inverse x माइनस y अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। आप देखिए इसको अप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा आपके tan inverse 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, 4/3 है इधर और इधर माइनस 1/7 है, तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 21, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इधर आ जाएगा tan inverse, देखो इधर 3 और 7 का एलसीएम कितना आ रहा है, इधर 3 और 7 का एलसीएम आ रहा है 21, और इधर भी क्या है 3 और 7 मल्टीप्लाई कर बना देंगे 21, और 21 और 1 का एलसीएम कितना आ रहा है 21 ही आया, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan inverse 28 माइनस 3 बटा
अपॉन यू जाएगा 21 प्लस 4 अपॉन 21, ठीक है। तो देखिए 21 से तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 21 कैंसिल हो जाएगा, 28 माइनस 3 और 25 और ये भी क्या हो गया 21 प्लस 4 25, दैट मींस ये हो जाएगा tan इनवर्स 25 अपॉन 25, मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, ये होता है पाई बाई 4 के बराबर। तो हम लेकर चले थे LHS से और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया r। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके पश्चात देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इसी प्रकार होगा। उसमें करना क्या पड़ेगा आपको, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसमें फॉर्मूला लगाना है आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है, जो कि होता है tan इनवर्स x माइनस y प्लस x का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका cos इनवर्स, cos इनवर्स 63 बाई 65 प्लस 2 tan इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स 1 बाई 5 बराबर 1 बाई 5 बराबर sin इनवर्स 3 बाई 5 की हुई, sin इनवर्स 3 बाई 5। तो आपको शो करना है cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 बाई 5 बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 3 बाई 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको LHS में कौन कौन से फंक्शन दिए गए हैं, एक तो आपको cos इनवर्स बटे फंक्शन दिया है cos इनवर्स, एक आपको दिया गया tan इनवर्स, और इधर कौन सा है, इधर आपके पास RHS में sin इनवर्स। तो आप ऐसे करिए LHS लेके चलिए और आपको कैसे दिख रहा है बराबर है। 1 माइनस एक्स का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 का हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है। 1 बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 1 बाय 25, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 1/25। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है tan इनवर्स 2/5 * 25/24, ठीक है। 5 से 25 5 का कैंसिल होगा 5 टाइम, 2 से 24 12 टाइम कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है भाई। यहां पे क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 1/5 का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 5/12, ठीक है। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, देखो क्या आ रहा है, इसको रिप्लेस कर देते तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 12 बराबर sin इनवर्स 3/5, ठीक हुई। ये आपने एक टू टाइम होता है वन बाय फाइव की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब देखो अब आप लेके चलो LHS, ठीक है, LHS लेके चलो और इस LHS को आप किसके बराबर शो कर दो, इसको शो कर दो आप RHS के बराबर। तो सबसे पहला टर्म कौन सा है आपके पास, cos इनवर्स 63 बाई 65, तो देखो क्या हो जाएगा चूंकि, और सेकेंड टर्म क्या है tan इनवर्स 5 बाई 12, तो आपको क्या करना है इन दोनों इनवर्स के जो मैट्रिक्स फंक्शन को
साइन ऑफ में चेंज करना है। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे वो देखिए, क्योंकि cos इनवर्स 63 अपॉन 65 का आपने मान लिया थीटा, ठीक है, इसको आपने क्या मान लिया थीटा मान लिया, और tan इनवर्स 5/12 आपने मान लिया फाइव, ठीक है, इसको क्या मान लिया आपने फाइव मान लिया। अब देखिए cos इनवर्स 63/65 बराबर थीटा है, तो आप क्या कर सकते हैं cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 63/65, ठीक है। जब cos थीटा ये है तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी, sin थीटा बराबर क्या होता है √1 cos² थीटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी √1 - 63/65 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखो 63 का स्क्वायर कितना होता है, 63 का स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करते हो तो वो होता है कितना, 3 × 3 = 18 = 36 का 6 का आंसर कितनी, और 6 में 36 होती 39, तो ये हो जाएगा 3969, ठीक है। और 65 का होता है, 65 का होता है आपके पास 5×25 असल 2 45 का अंडर रूट 4525 में से 4969 है, लेफ्ट करो जो कितना आ रहा है, यह आ रहा है आपके पास 256/4525 का अंडर रूट। 256 क्या होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर, और ये होता है इसका मीन हो जाएगा 16/65। कहने का मतलब है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 16/65। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स 16/65, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 16/65। आप देखो tan इनवर्स 5/12 को फाइंड आउट करने के लिए तो देखो कैसे चेंज करना है इसको, ये भी देख लीजिए, देखिए मान लीजिए माना tan इनवर्स 5/12 बराबर 5, दिस इंप्लाइज tan 5 की वैल्यू क्या हो गई, tan 5 की वैल्यू हो गई 5/12, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan का बराबर क्या होता है लंबटा आधार, तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए और जिसमें ये क्या करना, तो 90 डिग्री होगा और एक एंगल आप मान लीजिए थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और बात हो जाएगी आधार, ठीक है, ये लंबाई आधार है तो कर्ण का वैल्यू कितना है 13 आएगी। तो आप यहाँ से साइन फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन फाइव बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब 5/13, दिस इंप्लाइज फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव की वैल्यू जाएगी साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। तो इस फाइव की वैल्यू और इस थीटा की वैल्यू को आप कहाँ रिप्लेस कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए आप, ये तो हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, समीकरण 2 में थीटा व फाई का मान रखने पर, ठीक है भाई, थीटा व फाई का मान रखने पर, थीटा का फाई का मान रखो तो क्या आ रहा है, समीकरण 2 में यह आ रहा है साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक है 5/13, या फिर आप ऐसे करो समीकरण, या फिर आप ऐसे करो थीटा व फाई के मान जोड़ दो, या फिर थीटा और फाई के मान आप जोड़ दो समीकरण 2 में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 16/65 प्लस साइन 5/13
30. अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगाना है, आपको यहां पे फार्मूला लगाना है कौन सा, sin इनवर्स f का sin इनवर्स y का, sin इनवर्स का sin इनवर्स y क्या होता है, u होता है sin इनवर्स x * √1 - y² plus y * √1 - x² ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो आप थीटा और फाई की वैल्यू आपस में समीकरण दोनों में देखो, आप ऐसे करो थीटा और फाई का मान थीटा और फाई को जोड़ देना ठीक है, आप ऐसे लिख दो थीटा व फाई को जोड़ देना, देखो क्या आता है ठीक है, देखो क्या आता है इस पर, इस फॉर्मूले के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर आता है आपके पास फॉर्मूले के आधार पर क्या आएगा, साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 प्लस साइन इनवर्स 5 अपॉन 30 ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x मतलब 16 अपॉन 20 5 इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 25 अपॉन 169 प्लस y की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 30 इनटू अंडर रूट 1 माइनस 256 अपॉन 42 अपॉन 4225 ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, यह आ रहा है sin इनवर्स 60 अपॉन 65 प्लस sin इनवर्स 5 अपॉन 30 बराबर आ रहा है sin इनवर्स 60 अपॉन 25 इनटू ये हो जाएगा 12 अपॉन 30 प्लस 5 अपॉन 30 इनटू ये हो जाएगा 63 अपॉन 65 ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करो, जो क्या आता है यहां सॉल्व करने पर यहां पे सॉल्व करने पर क्या आ रहा है sin इनवर्स 16 का एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम टोटल आ रहा है आपके पास कितना, टोटल एलसीएम आ रहा है इधर 30 है ठीक है, इधर 25 है, तो आपके पास एलसीएम आएगा 25 * 13 और 30 * 65 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा इसके तो फैक्टर है 5 और इसके हैं 30, इसके हैं 30 * 5 तो एलसीएम आएगा आपका ये 5 * 5 * 30 ठीक है। देखिए इसको ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो एलसीएम क्या आएगा इसका 25 * 13 25 * 13 का भाग कितना, 25 * 13 का मतलब कितना बचेगा भाग, तो भाग उसको मल्टीप्लाई करो वैल्यू पर ये हो जाएगा 192 प्लस 65 का भाग इसमें दो, 65 का भाग इधर कितना है 5 तो ये हो जाएगा 25 * 63 ठीक है, 25 * 63 क्या कितना होता है ये भी देख लीजिए, ये हो जाएगा 25 किया 75 25 करके डिवाइड टू तो ये हो जाएगा 5 7 1575 ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1575 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा sin इनवर्स 192 प्लस 1575 बटा 25 कितना गया 125 ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऐड करो 7 6 17 ठीक है, साइन इनवर्स 1767 बटा 325 क्वेश्चन नंबर 6 ठीक भाई।
नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6
tan inverse x बराबर हो जाएगा 2 थीटा ठीक है एलएचएस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 tan inverse x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा के बराबर हो जाएगी और आरएचएस की वैल्यू क्या हो जाएगी आरएचएस है आपका cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square ठीक है x को देखो x की वैल्यू लेते हैं इसको x की वैल्यू कितनी है tan थीटा तो ये हो जाएगा cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta ठीक है और आप जानते हैं 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2 theta ठीक है ये किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है cos 2 theta तो यहां पे आ जाएगा cos inverse cos 2 theta और cos inverse से कौन कैंसिल हो जाएगा cos को कैंसिल कर देगा तो theta शेष बचेगा कहने का मीनिंग है कि cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square की वैल्यू क्या है तो थीटा के बराबर है ठीक है तो आप कह सकते हो कि LHS किसके बराबर है LHS बराबर है RHS के ठीक है LHS बराबर है RHS के अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है नेक्स्ट है वो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा और जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप लोग सॉल्व करें ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन ठीक है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है यदि यदि tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z बराबर pi by 2 बराबर tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z पाई बाय 2 वो तो सिद्ध कीजिए कि वो तो सिद्ध कीजिए कि x y plus y z plus z x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है आपको ये शो करना है कि अगर tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z की वैल्यू pi by 2 के बराबर है तो हमें क्या सिद्ध करना है कि x y plus y z plus z x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी ठीक है देखिए सबसे पहले यहां पे कितने टर्म है tan inverse की 3 टर्म्स है ठीक है तो 3 टर्म्स के आधार पर हमने फार्मूला पता था कौन सा tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z इसका मान क्या होता है इसका मान होता है tan inverse x plus y plus z minus x y z तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan inverse x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z x ठीक है ये इसका फॉर्मूला हो गया अब देखो इस फॉर्मूले को आप यहां अप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज tan इनवर्स x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z बराबर क्या है pi by 2 है tan मतलब है इस फॉर्मूला को उपयोग हमने कहां किया इस क्वेश्चन के अंदर किया तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें tan इनवर्स x plus y plus z minus x y z upon 1 minus xy minus y z minus z x बराबर pi by 2 अब देखो दोनों पक्षों का tan लो ठीक है क्या करना है तो tan में घटाना है तो क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों का tan लेने पर ठीक है दोनों पक्षों का tan लेने पर जब tan लेते हो तो tan से tan का कैंसिल हो जाएगा ठीक है tan से क्या कैंसिल हो जाएगा tan से कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स ठीक है देखो क्या आता है tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z x बराबर पर tan pi by 2 ठीक है बराबर tan pi by 2 अब देखो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा ये तो बचेगा x plus y plus z minus x y z upon 1 minus x y minus y z minus z ठीक है tan pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है इनफिनिटी इनफिनिटी का क्या लिख सकते हो 1 upon 0 अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो
तो आप देखते हैं क्या आ रहा है यहां पर, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है आपके पास 1 माइनस x y माइनस y डर माइनस z x के वैल्यू 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा कि x y प्लस y डर का z x किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और यदि हमने सिद्ध करना था कि इन तीनों की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो हमें सिद्ध करना है कि x y प्लस y डर का z x की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो ये में कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और साथ साथ जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।